अपना तिरंगा और किसान का जो झंडा है वो। किसान नेताओं को एक रूट बनाई गई थी जिस रूट से उन्हें जाना था, लेकिन किसान रास्ते में बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए दिल्ली पहुंचे। यही नहीं, किसानों ने कई ऐसे ब्रिकेटिंग को तोड़कर ट्रैक्टर के जरिए हटाया, दिल्ली के अंदर दाखिल हुए। कहीं ना कहीं किसानों पर अब सवाल उठने लगे हैं। पिछले दो महीने से किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज किसान बेकाबू हो गए। किसान नेता समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ किसान नेताओं को पीछे छोड़ आगे निकल गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था 5000 ट्रैक्टर से ज़्यादा न हो। किसान नेताओं से मीटिंग भी लगातार हो रही थी, लेकिन ऐसी नौबत आई कि किसानों ने बैरिकेटिंग कंटेनर बस हर व्यवधान को रोकने की कोशिश को नाकाम कर दिल्ली में दाखिल हुए। लेकिन एक बात को किसान बार बार कह रहे थे, हमें पुलिस के दिए हुए रूट नहीं चाहिए, हमें दूसरी रूट चाहिए। जिस रूट से किसान ब्रिकेटिंग तोड़ कर आगे बढ़े, वही रूट चाहिए, यानी रिंग रूट। ये काफिला आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज को खाते हुए किसान दिल्ली के लाल किले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी तस्वीर आप देखिए, किसान दिल्ली के लाल किले में पहुंचे। यही नहीं, लाल किले के ऊपर गुंबद पर तिरंगा फहराया। ये तस्वीर लाल किले की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किसानों ने कहा था इस बार तिरंगा किसान फहराएंगे, और किसानों ने फहराया। लाल किले के अंदर भी माहौल तनावपूर्ण हो गई, यहां भी लाठी चार्ज हुए, लेकिन किसान डटे रहे। आज़ादी के बाद पहली ये तस्वीर है जहां पर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसान सब एक होकर लाल किले में जमा हुए हैं। ये तस्वीर है किसानों की, जहां हुजूम लगा हुआ है। किसानों का कहना है सरकार की हर वो बात मान रहे हैं। आज 62 दिनों से सरकार ने हमारी मांगों को कहां पूरी कर रही है। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर रैली जिसकी अभी तक किसी ने अनुमान नहीं लगा पाया कितनी ट्रैक्टर परेड में इस मार्च में शामिल हुई है। लेकिन इतना साफ है, लाखों की संख्या में किसानों की जट्ठा दिल्ली के सड़कों पर दिखाई दे रही है। आईटीओ के पास दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिस से टकराव कहे, लाठियां चली, मुकाबला करते हुए अब उन किसानों पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन किसानों का कहना है जो रूट बताई गई थी वो रूट हमें समझ में नहीं आई। हमको दिल्ली के लाल किले पहुंचना था, हमको ट्रैक्टर परेड करना था। हम चलते चले आए, गलती बस ट्रैक्टर दूसरे रूट पर मुड़ गया। किसानों का ये भी कहना है जिस पुलिस जगह जगह खड़ी रहती तो हमें बताती हमें इस रास्ते से जाना है, तो उसी रूट को फॉलो करते। कुछ लोग दिल्ली आए नहीं हैं इसलिए रास्ते भटक गए हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे।